नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है तीन ताल का कायदा। तो सबसे पहला कायदा, आप लोग तीन ताल बजाते हैं, धा अब इसी लय में कायदा बजाना है। तो कायदा का मतलब होता है तरीका। जैसे कोई काम कहता है, इस काम को कायदे से करो, मतलब तरीके से करो। तो यही तरीके जो सीख जाता है वह आगे जाकर बढ़िया तबलिस्ट बनता है। तो हमें कायदा नंबर वन, सबसे पहले तो धा धा, आप स्क्रीन पर बोल देख रहे हैं कायदा वन का। तो एक किनारी पर, ये जो किनारी है, इस किनारी पर ये देखिए तबले के पार्ट, ये किनारी, बीच में ये लौ और सबसे बीच में स्याही, यह ध्यान देंगे। यही चीज इधर भी होता है। ये किनारे गजरा है जो चमड़े से मढ़ाई की गई है। तो किनारी पर इधर से जब ऐसे मारते हैं तो ना की आवाज निकलती है, ना। और ना के बाद जब यहाँ पे ये लौ का जो पतला वाला हिस्सा है ये इधर रखते हैं, अपने साइड में चौड़ा हिस्सा, तो इधर जब मारते हैं तो गौ, तो ना और गौ मिला के धा बनता है। दोनों को एक साथ मारना चाहिए, धा, फिर से धा, दो बार धा। अब ये तीन अंगुली जो हैं एक साथ सटी रहेंगी और इधर बीच में स्याही पर बीच में ते ते ऐसे मारेंगे, ते। और एक अंगुली से ये जो इतना हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इतना ही हाथ उठा के, ये हाथ जो है ना ऐसे उठा के ते, बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी स्याही लगी होती है वहाँ, ऐसे ऐसे नहीं मारेंगे, ये पूरा हाथ पूरा नहीं टच करेंगे, सिर्फ आगे से ते। तो फिर तीन अंगुली से ते ते। अब देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे दबा के रखना है ते। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे सारा हथेली उठा उठी रहेगी, ये आप देख रहे हैं पूरी हथेली उठी रहेगी, ये पूरी हथेली उठी रहेगी ऐसे। तो इस तरह टे 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 ऐसे, ये दबा ही रहेगा, ऐसे उठेगा नहीं, टे। फिर और यहाँ पे लव जो है ना, आजकल के लोग इधर मारते हैं तू के लिए, तू इधर, लेकिन ये सही नहीं है। तू से ना पर लाने में आपको बहुत समय लगेगा यहाँ से, तो जब उच्चतम तैयारी होगी ना तो यहाँ से यहाँ आने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन यहीं से यहीं आने में आसानी है, फट से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सारी अंगुलियों को उठाएंगे, ऐसे सारी अंगुली उठा लीजिए और यहाँ पर ऐसे ऐसे सारा हाथ उठा के मारना है। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा हाथ उठा के ऐसे, ये जो हाथ है ना यहाँ आराम से, जैसे हमारा हाथ बना है ऐसे ढीला करके यहाँ रखते हैं और ऐसे कर देते हैं, सब उठा रहेगा। एक अंगुली स्प्रिंग की तरह ऐसे जाएगी ऐसे, और जा करके वापस आ जाएगी ऐसे। तो ये अंगुली ऐसे जाके वापस आ जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे, ये नहीं कि वहां जाके टच होगी, नहीं, ऐसे ये सब उठी रहेंगी और ऐसे यहाँ पे मारना है तू, और फिर ऐसे ना। तो धा ते ते अब ता ता ते ते, तो ता ते ते, धा धा, तू
इस तरह से पूरा ता किनारे ता ता ते ते जैसे बताए हैं ना। अब तीन ताल बजाते हुए जब ये बढ़िया से तैयार हो जाए तो जिस लय में तीन ताल शुरू करते हैं उसी लय में कायदा भी शुरू करते हैं। जैसे धा इसका दुगुन करते हैं। अब इसका दुगुन करते हैं, दुगुन दो बार बजता है लेकिन ध्यान रहे दुगुन दो बार, चौगुन चार बार, तब सम आएगा। तो अब कायदा, अब फिर वहीं आ जाएंगे। अब दुगुन चौगुन, तो चौगुन चार बार, पहले दुगुन। नियम यह है कि एक बार बराबर की लय बना लेना चाहिए, तो बीच में रुकना नहीं चाहिए, उसी के आधार पर दुगुन उसी के आधार पर चौगुन। रुक जाने पर दुगुन चौगुन के टाइमिंग में अंतर हो जाता है, तो हम बोलेंगे बराबर तो आप समझ जाएंगे बराबर चल रहा है, फिर बोलेंगे दुगुन तो समझ जाएगा दुगुन फिर चौगुन। इसी तरह से आप तैयार करेंगे, यही अच्छे तबला वादक की पहचान है। दुगुन आ जाएंगे। अब इसका भी दुगुन होता है, ये अठगुन हो जाएगा, तो उसके लिए तरीके बदल जाते हैं। तो ये तरीके बदल जाएंगे, तो ये हम अगले वीडियो में आपको डालेंगे, और इसके पलटे भी, इस कायदे का पलटा हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे। चैप्टर वाइज हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, और जो चीज ये तैयार करेंगे जैसे तीन ताल का पार्ट वन आज हम डाले, फिर अगला वीडियो हमारा दूसरे ताल का पार्ट वन होगा, और सभी के कायदे पलटे रेले लग्गी लग्गियां लड़ियां सब बताएंगे। थैंक यू।